ठीक ठाक होंगे और बड़े खुश होंगे और आज आप और भी खुश होने वाले हैं क्योंकि आज आपने जो विंटर में सर्दियों में धूप में बैठ बैठ कर डी टैन अपने फेस पर जमा ली है जो आके आपके फेस पे पक्की हो गई है। आपकी कलर आपका कलर जो है वो डी टैन की वजह से काफी डल हो गया है, तो आज हम सिर्फ दो स्टेप करेंगे और उन दो स्टेप में ये डी टैन कहाँ गायब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। वो जो काली सी परख आपके फेस पे जम गई है आज हम उसको हटाने वाले हैं और वो काली परख कैसे हटेगी सिर्फ दो स्टेप आपने करने हैं और आप खुद हैरान रह जाएंगे कि वो जो आपको लग रहा था काफी दिन से कि वो जो स्किन मेरी डल सी हो गई है तो वो स्किन जो डल स्किन है वो एक इतनी ग्लोइंग और बड़ी खूबसूरत सी स्किन हो जाएगी, बड़ी सॉफ्ट सी स्किन हो जाएगी। और वो स्किन कैसे सॉफ्ट होगी और कैसे वो डिटैन जो धूप की वजह से आपके फेस पे आ गया है वो कैसे ख़त्म होगा, तो आज हम उसको ख़त्म करने जा रहे हैं। तो आपको दिखाती हूँ कि मेरी स्किन जो है वो इन दिनों में काफ़ी मुरझाई हुई और डल सी लग रही थी। क्यों लग रही थी? क्योंकि वही कि जब सर्दी ही लगती है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, दिल करता है आप धूप में जाके बैठ जाओ। जब हम धूप में जाके बैठ जाते हैं आपको धूप जो है वो हमारी स्किन पे क्या वो छोड़ कर जाती है, यानी वो सूरज की शुआओं की वजह से सनलाइट की वजह से आपकी स्किन जो है वो डल हो जाती है और आपका पूरा जो फेस टोन है वो डिफरेंट डिफरेंट सा हो जाता है। तो चलिए जी आज उसको हल करते हैं और दो स्टेप में आप देखिएगा कि क्या कमाल होने वाला है। आप में कौन कौन से लोग हैं जो महीने में कितनी रफा ब्लीच आप लोग करती हैं? अब आप पूछोगे कि मैं क्यों पूछ रही हूँ, तो मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि वो लोग जो ब्लीच कर करके केमिकल बेस को यूज़ करके अपनी स्किन को इतना ज़्यादा डैमेज कर लेते हैं कि वो अगर देखें अगर आपके फेस पे पिगमेंटेशन है तो जब हम ब्लीच करते हैं तो वो वक्ती तौर से हमें लगता है हमारा कलर जो है वो नीट हो गया है और होता भी है, लेकिन उसके बाद जो पिगमेंटेशन है वो इतनी ज़्यादा डार्क दिखने लग जाती है कि आपकी स्किन जो है वो पहले से भी ज़्यादा, दो दिन आप खुद ही अंदाज़ा कीजिएगा जब आप ब्लीच करते हो तो दो दिन तक तो आपका फेस जो है वो अगर अच्छी ब्लीच करते हो तो दो दिन तक वो ब्राइट करता है, उसके बाद जो है इतना डल हो जाती है आपकी स्किन कि आप अंदाजा नहीं कर पाते। हाँ अगर आपके फेस पर देखें बाल हैं आपकी स्किन के ऊपर जो है देखें वो हर किसी के फेस पे बाल होते हैं, यानी कि कोई नहीं, बहुत कम लोगों को मैंने देखा है जिनके फेस पे बहुत हल्के हल्के सा रुआ सा होता है, वरना जिनकी स्किन पे बाल होते हैं ब्लीच उनके लिए करना ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? इसलिए होता है क्योंकि वो बाल जो आपके फेस के हैं वो ब्राउन हो जाते हैं, वो आपकी स्किन के टोन के साथ मिल जाते हैं तो फिर आपको वो ठीक लगता है, वरना इस तरह का फेस के जो बाल हैं वो साथ लेके इस तरह काला काला सा फेस भी लगता है और वो जो बाल अलग से काले होते हैं आप इस तरह तो उसको साथ लेके नहीं घूम सकते। अब आप पूछोगे कि ब्लीच का मैंने कहा था कि हम क्यों ब्लीच करते हैं और इतनी देखिए ज़्यादा ब्लीच जो भी लोग करते हैं स्किन उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो अगर आपको वो केमिकल बेस को छोड़ के अगर आपको नेचुरल आपको मिल रही है ऑर्गेनिक चीज़ों में से आपको वो ब्लीचिंग एसिड मिल रहा है तो आप क्यों वो नहीं करते? देखिए मेरा एक थीम है कि क्यों ना हम लोग जो है वो ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ चला जाए, हम लोग जो है वो नेचुरल चीज़ें यूज़ करें ताकि एक तो आपका बजट कंट्रोल रहता है, दूसरा ये कि आपकी जो स्किन है वो डैमेज होने से बच जाती है। ठीक है, अगर हम नेचुरल चीज़ें यूज़ करते हैं पोटैटो में वो सारी ताकत है कि वो आपकी फेस को वो ब्लीचिंग जो है वो जो ब्लीच हम आए दिन करते हैं मार्केट बेस की पोटैटो आपकी फेस को ब्लीच कर सकता है। देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ को क्लियर कर दूँ कि वो जो हमारे बाल जो हैं स्किन के जैसे हमने ब्लीच करी और वो बाल हमारे जो फेस पे हैं वो ब्राउन ब्राउन से हो जाते हैं, ठीक है, वो जो गोल्डन ब्राउन से हो जाते हैं वो वाले। तो अब जब ये जो पोटैटो को अगर हम फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तो हम बोलेंगे कि लो जी उन्होंने तो रेमडी में ऐसे बोल दिया था, हमारा तो फेसबुक पे कुछ हुआ ही नहीं, यानी कि वो बाल जो है वो ब्राउन नहीं हुए। देखें इस तरह नहीं होगा, आप इस रेमेडी को जो है वो प्रॉपर करते रहेंगे, हफ्ते के बाद आप करते रहो आप देखिएगा आपकी स्किन जो है वो ब्लीचिंग की तरफ जाना शुरू हो जाएगी, यानी कि आपकी स्किन जो है वो ब्लीचिंग की तरफ जाएगी ना कि आपकी स्किन के ऊपर जो बाल हैं वो ब्लीच हो जाएंगे। यहाँ पर मैं ये क्लियर कर दूँ कि बाल जो हैं आपकी स्किन के वो जो हैं वो जो गोल्डन ब्राउन हम ब्लीच करके करते हैं वो नहीं होंगे, यहाँ पे सिर्फ आपकी स्किन को वो ब्लीचिंग मिलेगी। आपकी स्किन अगर बहुत ज़्यादा डार्कनिंग की तरफ है तो वो वाइटनिंग की तरफ आ जाएगी, यानी कि आपकी स्किन की लुक जो है वो खूबसूरत होना शुरू हो जाएगी, वो स्किन आपकी खूबसूरत हो जाएगी, जितने भी आपकी स्किन पे प्रॉब्लम्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे पोटैटो के, सिंपल पोटैटो का अगर आप जूस जो है वो यूज़ करते हो तो उसी से,
बाकी तो आगे वो पूरी रेमेडी पड़ी है जो मैं आपको करके यहाँ पर दिखाऊंगी कि ये पूरी रेमेडी जब आप इसको करते हो तो इसमें जो लेमन है वो भी एज अ ब्लीच ही काम कर रहा है, पोटैटो जूस है तो वो भी एज अ ब्लीच ही काम कर रहा है, अगर हम लेमन को हटा के यहाँ पे टमाटर का जूस ऐड कर लेंगे तो वो भी एज अ ब्लीच ही काम करेगा आपकी स्किन पर, और स्किन कितनी खूबसूरत और जानदार हो जाएगी वो देखकर आप हैरान होने वाले हैं। इसमें जो चीजें हम यूज कर रहे हैं देखिए वो है, एक तो सबसे पहले हम पोटैटो यूज कर रहे हैं इस रेमेडी में, तो रेमेडी में आप देखोगे कि पोटैटो जो हम यूज कर रहे हैं वो क्यों यूज कर रहे हैं, वो इसलिए यूज कर रहे हैं देखें आपकी स्किन जो है वो उसमें कितने भी प्रॉब्लम है, आपको मैं बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि आपको डी टैन हो गया है, आपकी स्किन जो है वो टू टोन हो गई है, या आपके फेस पर पिगमेंटेशन है, या आपके फेस पर वो जो दाग धब्बे रह जाते हैं वो है, तो वो सारे पुराने से पुराने भी दाग धब्बे जो है वो पोटैटो में इतनी ताकत है कि वो आपकी स्किन से वो सारा कुछ, सिर्फ अगर आप पोटैटो जूस ही लगाते रहते हो ना तो वो भी आपकी स्किन को एकदम क्लियर कर देगा, अगर आपको आप उसको रेगुलर बेस पे लगाते हो यानी आप उसको डेली लगाओगे तो वो आपकी स्किन को क्लियर कर सकता है। यहाँ पे पहली चीज हम पोटैटो यूज करेंगे, आप दूसरा जो फेस पैक कह लो, आप उसको फेस मास्क कह लो, जो भी आप कह लो, तो आप देखना कि वो आपकी स्किन को किस कदर क्लियर करता है, क्योंकि बेसन, मैं हमेशा बोलती हूँ कि बेसन जो है वो उससे बड़ा क्लिंजर जो है हमारी स्किन के लिए कोई है ही नहीं, तो हम यहाँ पर जो फेस पैक यूज करेंगे वो इस वजह से करेंगे कि हमारी स्किन जो है एक तो वो ग्लोइंग हो जाएगी उससे और बड़ी खूबसूरत हमारी स्किन हो जाएगी, जब आप इसको करोगे तभी आपको अंदाजा होगा। तो चलिए रेमेडी की तरफ चलते हैं और आप देखिए कि रेमेडी क्या कमाल करने वाली। ले लिया है जी मैंने पोटैटो और इसको छीलेंगे और छीलने के बाद इसको कद्दूकश करेंगे, अभी ये कद्दूकश हो गया, अब मैं इसके अंदर डालूंगी और ये छन्नी के अंदर डाल के और इसका अच्छे से जो है वो जूस निकाल लेंगे, जितना भी इसका जूस निकलेगा उसको हमने अप्लाई करना है। जूस जो है इसका निकल के रेडी हो गया, जितना भी निकला है ये सारा हमने यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बताती हूँ। फेशियल करने से पहले जो है वो आपका फेस बिल्कुल साफ होना चाहिए, यानी वॉश किया हुआ होना चाहिए आपका फेस, कोई आपने लोशन नहीं लगाना, कोई कुछ नहीं लगाना, बिल्कुल वॉश किया आपने फेस और डायरेक्टली आपने इसको अप्लाई कर लिया। सबसे पहले अप्लाई क्या करने जा रहे हैं, अप्लाई करेंगे वही जो पोटैटो का जूस हमने निकाला था वो इसको अप्लाई करेंगे, और बिल्कुल आपने जैसे वो ब्लीच करने से पहले आप पूरा वो फेस को साफ रखते हो और उसके बाद ब्लीच करते हो, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, तो ये समझे कि ब्लीच ही है जो हम अपने फेस पे कर रहे हैं। हमने इसको ड्राई होने देना है और जब ये ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद एक कोट और करेंगे। देखिए ये काफ़ी ड्राई हो गया, तकरीबन मैंने 5 मिनट तक जो है वो वेट किया है और इसके ऊपर ही मैं एक कोट और करूँगी। इस स्टेप के लिए हमने लिया है जी यहाँ पे 1 टेबल स्पून बेसन, बेसन लेंगे 1 टेबल स्पून और इसी के अंदर जो है वो मैं डालूँगी दूध, स्पून हमने इसके अंदर दूध डालना है, कच्चा हो तो आप वो डाल सकते हो, बॉइल है तो आप वो भी डाल सकते हो, बस जी इसके लिए इतना बेसन था इसके लिए इतना ही काफ़ी है, और इसी के अंदर हमने डालना है 1/2 लेमन। वो लोग जो लेमन नहीं डालना चाहते जिनको प्रॉब्लम है लेमन से तो आप यहाँ पे टमाटो जूस जो है वो भी यूज़ कर सकते हो, और ये जो पेस्ट है बड़ा अच्छा सा बन के ये मास्क रेडी हो गया है और इसको अभी हम यूज़ करेंगे जी। अब ये जो पोटैटो जूस हमने लगाया था वो डबल कोट जो किया था वो भी ड्राई हो गया और मेरी स्किन आपको फील हो रही होगी, खींची खींची सी फील हो रही है, और अब हमने ये जो पैक बनाया था, जो मास्क बनाया, आप इसको मास्क बोलो आप इसको पैक बोलो, स्किन पैक है ये, तो आप इसको जो है हम इसको ऊपर ही लगाएंगे, यानी पोटैटो जूस जो ड्राई हो गया है अब हम इसको उसके ऊपर ही लगाएंगे। ये अच्छे से मैंने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया और हमने इसको भी जो है वो ड्राई होने देना है, कुछ नहीं करना, इसको बस लगा दिया और छोड़ दिया और इसको ड्राई होने देना है, और जो बच गया था वो मैंने अपने हाथों पे लगा लिया है। ये जो पैक है ये जो है वो काफ़ी ड्राई हो गया है और अभी मैं इसको क्या करूँगी कि डायरेक्ट तो हम इसको उतारेंगे नहीं, तो मैंने लिया है थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा पानी सिंपल वाटर अपने पास रखिए, और जब ये ड्राई हो जाए तो फिर आपने थोड़ा सा पानी लेना है, इसी के अंदर अपने हाथों को करें थोड़ा सा डिप और इसी को अपने फेस पे अप्लाई करें, और एक तो अच्छे से मसाज हो जाएगी, तकरीबन आपने 5 मिनट जो है वो इसकी मसाज करनी है, मसाज हो जाएगी, दूसरा ये जब आप इसको उतारोगे तो आसानी से फिर ये उतर भी जाएगा। ये देखिए जी फेस मैंने कर लिया है वॉश और सिंपल पानी से, और इसको मैं करूँगी साफ और बाकी आप देख सकते हो मेरी स्किन जो है वो बहुत अच्छी हो गई।
क्या करना है कि हमने एज अ टोनर में यहाँ पर अपनी गुलाब यूज कर रही हूँ और आपने इसको साफ नहीं करना, इसको अपनी स्किन के अंदर जाने देना है। टोनर आपकी स्किन के अंदर चला जाए तो आपका ये जो लास्ट स्टेप है वो है जी मॉइस्चराइजिंग लोशन या क्रीम, जो भी आप यूज़ करते हो आपने वो अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लेना है। मैं यहाँ पर जो यूज़ करती हूँ, मैं यूज़ करती हूँ स्किन वाइट का ये जो है लोशन, मॉइस्चराइजिंग लोशन है ये मैं यूज़ करती हूँ, तो ये बहुत अच्छा है, वैसे आप भी ये कर सकते हो। माय पेरेंट ये बातें करता है और ये बहुत प्यारा है। मिठू हेलो बोलो, हेलो बोलो, मिठू का मूड नहीं है अभी बात करने का, बात करो, नहीं बात करनी। हाँ रेमेडी आप देख चुके हो और मैं यहाँ पर बता दूँ कि कौन लोग इस रेमेडी को कर सकती हैं और आपने कितने कितने टाइम की बात करनी है। पहले तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि कितने टाइम के बाद आपने करनी, वो लोग जिनकी स्किन जो है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है, बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो वो लोग इस रेमेडी को हफ्ते में 2 दफ़ा करेंगे, ठीक है। और वो लोग जिनकी स्किन नॉर्मल है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है या स्किन डल नहीं है, तो वो लोग इसको कैसे यूज़ करेंगे, वो करेंगे कि आप जो है इसको हफ्ते में 1 दफ़ा यूज़ करोगे, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें लेमन यूज़ करा है। वैसे मैं बता चुकी हूँ आपको कि वो लोग जिनको लेमन सूट नहीं करता, जिनकी स्किन पे लेमन जो है वो जैसे स्किन सेंसिटिव है तो वो सूट नहीं करता लेमन आपको, तो आप यहाँ पर टमाटो जूस जो है वो ऐड कर सकते हो और आप इस तरह से इसको कर सकती हो। अगर आपको इसको एज अ फेशियल कहीं जाना है तो आप फेशियल के तौर पे इस रेमेडी को करोगे और आप देखोगे कि फेस पे कितनी वो ग्लो आई है, कितना निखार आया है, वो पूरा जो फेस का कलरिंग है वो एकदम से चेंज हो जाती है। देखें मैं हमेशा कहती हूँ कि कलर आपका कोई भी हो, आप सांवले हो, गंदमी कलर है या काला है, काले हो, जो भी है कलर, लेकिन वो नीट होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हमारा गोरा ही कलर होगा तो और उसको गोरा करेंगे, ये कुछ नहीं है, गोरा कलर कोई वो नहीं है, लेकिन ये है कि स्किन आपकी कोई भी हो, किसी भी टोन की हो, लेकिन ये है कि वो खूबसूरत होनी चाहिए, वो जो ग्लोइंग स्किन होती है वो होनी चाहिए आपकी, और एक वो निखरी निखरी दाग सी स्किन होनी चाहिए, तो वो वाली स्किन तो हर बंदा चाहता है ना कि मेरी हो, तो चाहे कलर आपका कोई भी हो, क्योंकि सभी कलर बहुत खूबसूरत हैं, चाहे वो कोई भी कलर हो। तो आपने जब इस रेमेडी को करना है तो आप खुद हैरान हो जाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको दिखा चुकी हूँ कि मेरी स्किन जो है वो कैसी लग रही थी, और मैंने जब ये रेमेडी करी है तो मैंने सुबह मॉर्निंग में करी है। अगर आप धूप में बैठने के शौकीन हो, आप धूप में बैठते हो तो मैंने जब मॉइस्चराइजर लगा लिया तो उसको डन कर दिया, ठीक है। अगर आप इसको रात में करते हो तो आप जो है वो सनस्क्रीन नहीं लगाएं, और अगर आप दिन के वक्त ये फेशियल करते हो तो उसके बाद जो है आप सनस्क्रीन लाजमी लगाइएगा, क्योंकि मैंने भी यहाँ पे मॉइस्चर लगाया और उसके बाद मैंने सनस्क्रीन लगाया, लेकिन शायद मैं वो दिखा नहीं पाई, लेकिन सनस्क्रीन जो है वो डे के वक्त आप लाजमी लगाएं। आप घर में हो, घर से बाहर जाते हो, नहीं जाते हो, लेकिन लाजमी लगाएं, ठीक है। तो आपने इस तरह से इस रेमेडी को करना है और हफ्ते में 2 दफ़ा करोगे तो वो लोग करेंगे जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब है। हफ्ते में 1 दफ़ा करोगे तो आपकी स्किन काफ़ी है कि अगर आप 1 दफ़ा करते हो, ज़रूरी नहीं कि 2 दफ़ा करो, जिनकी ज़्यादा ख़राब वो कर सकते हैं। तो बाकी ये कि कौन कौन लोग कर सकते हैं, बच्चे बिल्कुल इसको नहीं करेंगे। अक्सर क्या होता है कि हम बच्चों पे शुरू कर देते हैं, और अगर बच्चे इसको करेंगे तो आप टमाटो जूस जो है वो ऐड कर दीजिएगा, लेमन आप हटा दीजिएगा, तो बच्चे तो इसको यूज़ कर सकते हैं, वरना लेमन ऐड करके बच्चे इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों की स्किन जो है वो भी धूप में बैठने से बड़ी वो डल हो जाती है, तो काफ़ी स्किन ख़राब हो जाती है, तो इस तरीके से बच्चे भी कर सकते हैं। तो चलिए जी, ठीक है, आपको अगर मेरी ये रेमेडी पसंद आई हो और आपने ट्राई ज़रूर करनी है, क्योंकि जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आपको नहीं पता चलेगा कि क्या हुआ है, कितना आपकी स्किन में, आपके कलर में क्या चेंज आता है। तो आपने जब इसको ट्राई करना है और आपने कमेंट्स में आके बताना ज़रूर है कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फिर आप बहुत सारी स्किन केयर की जो रेमेडी है आप उनको मिस कर चुके हैं, क्योंकि फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो मेरी हर आने वाली रेमेडी जो है वो आप तक पहुँच जाएगी। तो चलिए जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।